कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज फिर से डे टू और ये पार्ट थ्री होगा, क्योंकि आते वक्त मैंने दो पार्ट्स बना दिए थे जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं और रूम से जा रहा हूँ अभी मैं। टाइम सुबह के 12:30 करीब हो रहा है, तो नीचे जाता हूँ, खाता पीता हूँ, भूख लग रही है। तो मैंने कहा भाई चलते हैं कुछ खा पी के, फिर आप लोगों को घुमाने लेके चलते हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। तो ये मैं रेडी हो चुका हूँ और देख सकते हो ये रूम है अपना। तो चलो चलते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फिर करता हूँ आपसे नीचे जाके बात, तो दिखाता हूँ आप लोगों को मनाली कैसा है कैसा नहीं। तो चलो सीधा मिलते हैं नीचे। तो गाइस फाइनली पराठा परोठा खा के निकल रहा हूँ मैं मनाली की रोड पे। देखते हैं, पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे, बाइक उठा के तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं कहाँ पे क्या क्या होता है, और अगर बढ़िया लगता है आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अभी पहले चल रहे हैं मॉल रोड पे, देखते हैं कहाँ पे है, पूछते हैं किसी से, फिर घूमते सब सब जगह। जैसे जैसे जो जो चीज़ बढ़िया लगती रहेगी मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा। चलो सीधा मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली मैं मॉल रोड में एंटर कर चुका हूँ, दिखाते हैं आप लोग को और भी जगह मॉल रोड पे। ये देख सकते हो भाई, ये है मॉल रोड। तो ऐसे ही आगे आगे चलते जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे, क्या स्पेशलिटी है। जो भी होगा आप लोग को साथ साथ दिखाऊंगा, तो बने रहना सभी ब्लॉग में। तो देख सकते हो भाई, ये है कुछ ऊपर से पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे तंबोला के लिए आ रही, तंबोला टिकट वगैरह लेके। तो फर्स्ट प्राइज ये है गाड़ी और बाइक, जो भी होगा। तो अभी घूम रहे मॉल रोड पे, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ऐसा कुछ मॉल रोड है, तो चलते चले जाते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो भाई ये जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे फ्लैग दिखा रहा है, फ्लैग है, और ये है अपना मॉल रोड। तो ऐसे घूम रहे हैं पैदल ही यात्रा, कि इधर बाइक लेके घूमने का कोई फायदा नहीं है। अंदर खाने पीने के लिए भाई इतना सब कुछ है ना, बहुत चीज़ें हैं खाने के लिए यहाँ पे। चलो यहाँ से चलते हैं, तो नीचे जाके देखते हैं कुछ और कैप्चर करने के लिए हो तो आपको मनाली दिखा दें। यहाँ पे तंबोला चल रहा है, मैं देखने रुक गया है क्या चीज़। ऑल द लाइट एंड फुल हाउस मतलब देखा नहीं। Hit over the fence, Yuvraj number 6. क्या होता है, कौन जीतता है, कुछ क्या है, क्या था? Top Jean 1919. वो बंदा बैठा बोल रहा है। शास्त्री last 3 8 and 383. ईरानी salute 4 and 141. The next breeze. उल्टा पुल्टा 6 and 9 69. Running century 2 and 121. Guys अभी वापिस रूम में चला गया था मैं, तो कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने पूछा ये नियर बाय क्या चीज़ है देखने के लिए। तो बंदे ने बताया कि हडिम्बा देवी टेम्पल है, वहाँ जाके घूम सकते हो। तो वहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या है, कैसा बना है, सब आपको टूर कराएंगे जैसा भी होगा।
बाकी ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि ब्लॉग थोड़े लंबे आएंगे और आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ब्लॉग में। तो चलो मिलते हैं सीधा वहीं जाके, क्योंकि अभी पैदल पैदल जा रहे, ज़्यादा नहीं 1.5 किलोमीटर ही है। मैंने कहा बाइक तो क्यों उठानी है, थोड़ा एक्सप्लोर भी हो जाएगा। बाइक उठा के जाएंगे 2-4 मिनट में पहुंच जाए, उसका कोई मज़ा भी नहीं है। तो आज के दिन बाइक नहीं चलाएंगे, ये है, बाकी पैदल ही आज जो भी चल रहा है। तो चलो सीधा वहीं जाके मिलते हैं आप लोगों को और देखते हैं क्या है वहां जाके क्या नहीं। तो चलो मिलते हैं वहीं। सो गाइस, फाइनली हम हडिम्बा टेम्पल की एंट्री पे पहुंच चुके हैं। तो ये ऐसी कुछ एंट्री है, बाकी चलते हुए जा रहे हैं भाई, सांस फूल गई, पीछे से आ रहे भाई चल के चढ़ाई पे। भाई यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, अब बर्फ़ पड़ जाएगी फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे और भी लिखा है, और सियाली महादेव टेम्पल भी है, कोई क्लब हाउस, मनु टेम्पल, लॉग हट, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो गाइस, फाइनली थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। सीढ़ियाँ देखो भाई, नीचे से आए हैं, हालत तो ख़राब हो चुकी है इस चीज़ के लिए। ये बंदे भी हमको मिल गए यहाँ पे, और ये भी, ये तो भाई कभी कह रहे कि बिना गाड़ी के चलते ही नहीं है भाई साहब। तो ये मेरे से एक दिन पहले पहुँचे हुए थे, तो मैंने इनकी स्टोरी देखी, तो ये भी घूम रहे थे, मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो कल इकट्ठे ही रुक गए हम लोग। तो जा रहे हैं यहाँ से, भाई बोला नहीं जा रहा, सीधा ऊपर जाके मिल रहे हैं। सांस बहुत फूल रही है, पता नहीं पहले चल के आए इतनी दूर से, उसके बाद फिर और चलना पड़ रहा है। तो ये भाई मिले अपने को, हेलो कर दे भाई। तो ये मिल जाते भाई सब्सक्राइबर्स अपने। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आपके, उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आए थे मनाली घूमने के लिए, मैं और राहुल। तो मून भाई हमारे रूपनगर से हैं, तो अचानक मुलाकात हुई हमारी दोनों की, और हम तीनों मिलकर अब जा रहे हैं हडम्बा माता मंदिर। सो आज वो आपको भी दर्शन कराते हैं हडम्बा माता जी के। सो दिखाते हैं आपको। तो भाई यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, तो देख सकते हो भाई काफ़ी कुछ है यहाँ पे। आर्ट एंड पेंटिंग्स देख सकते हो। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम, बहुत मुशक्कतों के बाद। भाई बोल रहा था बंदी बोल रही, हिलन लाग रहे भाई तुम, देख लो भाई क्या क्या हरकतें हो रही हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। तो फाइनली भाई पहुंच ही चुके हैं बहुत मुद्दतों के बाद। भाई शांत बोल चुकी है, बट अभी थोड़ा स्टेबल है क्योंकि सीधा रास्ता था आपको। भाई फोन दे बना वो भी ठीक। चलो भाई, तो फाइनली पहुंच चुके हैं, चलो अंदर जाके देखते हैं, माथा टेकते हैं और फिर वापसी। एक मंदिर और भी था, वो भी घूमते हैं। डे टू पार्ट तीसरा चौथा होगा ये, चलो करते हैं सीधा। सो गाइस अभी आए थे घटोत्कच जी के मंदिर में, तो यहाँ पे इनकी पिंडी रखी हुई है, मतलब पूजने का स्थान, और यहाँ पे सभी ने लोहा चढ़ाया, वो लोहा चढ़ता है इनको। पीछे से दिखा रहा था मैं, दिखाता हूँ आपको, सारा मतलब लोहे का सामान चढ़ाया हुआ है। ये देख सकते हो घर घूर रखे हुए हैं। अभी अभी रुके थे खाने पीने, तो भाई लोग बैठे हैं, तो ऑर्डर उडर कर दिए लस्सी लुस्सी, और खाने के लिए समोसे और ब्रेड। तो देखते हैं कैसा टेस्ट है कैसा नहीं, बैठे कहाँ पे, बाहर देखते हैं कहाँ बैठे। ये मनाली रोड पे ही है, जो मशीना रोड है। ये गिलास चेक करो, गिलास भाई इसमें लस्सी ना लाएं, लस्सी बड़ा गिलास होगा या छोटा पता नहीं, इतने वैसे मतलब भाई इतना महंगा है भाई। समोसे 80 रुपए के सिर्फ कितने, दो ब्रेड पीस पूछा करें 100 रुपए के
चार देंगे, मतलब दो पीस काट के बीच में से, मतलब दो पीस वो 500 रुपया और 80 रुपए के आप बोल रहे हो, 2 समोसे भाई बताओ इतनी महंगाई। अभी लस्सी का तो रेट ही नहीं पूछा, तो चलो खाते हैं। खाना तो है ये भाई, थोड़ा है जो भी है, खाना तो पड़ेगा ही, भूख लग रही है बहुत तेज भाई। ये देख लो 80 रुपए के 2 समोसे और ये देख लो भाई 100 रुपए के 4 ब्रेड, मतलब ये एक ब्रेड को 4 पीसों में काट के बोल रहे 100 रुपए के। खाने हैं तो खाओ, नहीं तो घर को जाओ। तो खाते हैं फिर और करते हैं, लस्सी हमारी आई नहीं अभी, वो भी दिखाते हैं उसका क्या सीन है।